हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय रोड ट्रिप्स। गाड़ी चलाते वक्त हमेशा सीट बेल्ट पहने, मोबाइल पर बात कभी ना करें, और अगर आपके पास टू व्हीलर है, दोपहिया वाहन है, तो हेलमेट जरूर पहने। ये छोटी सी अपील माय रोड ट्रिप्स की तरफ से, और शराब पीकर कभी गाड़ी ना चलाएं। तो ये छोटी छोटी चार बातें आप जरूर याद रखें जब भी कभी हाईवे पे आप निकले। माय रोड ट्रिप्स पर छोटे छोटे वीडियोस होंगे मेरी रोड ट्रिप्स के, मेरी जो भी यात्राएं जर्नी, जहां पे भी मैं सड़क मार्ग से जाऊंगा, हाईवे से जाऊंगा, सिटी रोड्स हैं, कहीं घूमने फिरने की जगह है, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वो सारी चीजें यहां कवर होंगी माय रोड ट्रिप्स पर। तो डू सब्सक्राइब, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा ले ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज सैर करते हैं लखनऊ से बाराबंकी की। ये बाबू बनारसी दास के आगे आ गए हम लोग अब बाराबंकी रोड पर, और यहां से बाराबंकी तक की जो यात्रा है वो कवर करेंगे हम माय रोड ट्रिप्स पर, क्योंकि यहां से अब ट्रैफिक नहीं फंसेगा, क्योंकि जो भी लोग लखनऊ में रहते हैं या लखनऊ शहर आए हैं उनको पता होगा कि पॉलिटेक्निक से बीबीडी कॉलेज आते आते कितना ट्रैफिक जाम मिलता है जगह जगह, तो उस ट्रैफिक जाम को हमने अवॉइड किया। और जो अपना वीडियो अब हम शुरू कर रहे हैं, वीडियो बनाना वो शुरू कर रहे हैं बाबू बनारसी दास के बाद से, तो यहां से ये अनकट वीडियो। बाराबंकी रोड पर भी दोनों तरफ रिहायशी इलाके बहुत आ गए, बिल्डर्स ने जगह जगह जमीनें ले ली हैं, और अपार्टमेंट्स, जो अपार्टमेंट कल्चर है वो आ गया है। और इस सड़क पर अगर आप जाएं, इस राष्ट्रीय राजमार्ग से, ये स्वर्णिम चतुर्भुज का भी हिस्सा है जो आसाम तक सड़क जाएगी, ईस्टर्न कॉरिडोर, और इस सड़क पर अगर आप जाएंगे इस हाईवे से तो आपको ऐसा लगेगा जैसे नोएडा की सड़कें हैं, कुछ कुछ नोएडा जैसा आपको फील आएगा इस सड़क से जाने पर। ये शारदा नहर के ऊपर से, उसके अगल बगल ये किसान पथ बन रहा है, लखनऊ की आउटर रिंग रोड, जिस पर अभी सावधान लिख दिया है कि पुल की ऊंचाई कम है, तो जो ऊंचे वाहन है वो जरा सावधानी पूर्वक यहां से निकले। और इस वक्त हम आ गए ये शारदा नहर के ऊपर, ब्रिज के बाद यहां फिर थोड़ा सा जाम लग गया है। लखनऊ बाराबंकी रोड पर भी जगह जगह अपार्टमेंट्स आ गए, और बहुत दूर तक, यूं समझ लीजिए कि लखनऊ और बाराबंकी अब एक हो गए, मिल गए हैं। पहले दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े खेत हुआ करते थे, एग्रीकल्चरल लैंड थी, जो धीरे धीरे सब रेजिडेंशियल हो गई। अब
हो जाती है बाराबंकी की। तो हम लोग अब बाराबंकी जिले में आ गए। लखनऊ बाराबंकी बहुत पास पास दोनों जिले हैं, मिले हुए हैं दोनों की सीमाएं, और महज 12 या 14 किलोमीटर आप आते हैं। पॉलिटेक्निक से अगर हम करें तो 12 किलोमीटर लगभग जब आप आते हैं, तो उसके बाद फिर बाराबंकी की सड़क शुरू हो जाती है। पहुंचे हैं बाराबंकी शहर, लखनऊ से बहुत पास है बाराबंकी। अगर जाम ना हो तो 15 मिनट में मैं अपने घर से बाराबंकी पहुंच जाता हूं। अगर हम बहुत सुबह सुबह निकले, अर्ली मॉर्निंग, तो 15 मिनट में आप बाराबंकी आ सकते हैं। मात्र 24 किलोमीटर है मेरे घर से, लेकिन दिन के समय चूंकि ट्रैफिक हो जाता है शुरू, सड़कों पर भारी गाड़ियां जो है, बड़ी गाड़ियां वो भी चलने लगती हैं, और जो रोजमर्रा के लोग हैं काम निपटाने निकलते हैं, तो फिर ट्रैफिक में प्रॉब्लम हो जाती है, आप जल्दी नहीं आ सकते, तेज नहीं चल सकते, तो समय लग जाता है। ये बाराबंकी के बाहर बाईपास है, जिससे हम अभी शहर की तरफ, बाराबंकी शहर की तरफ मुड़ेंगे। हम अब लेफ्ट लेंगे बाराबंकी जाने के लिए।
कि साइकिल पथ बना हुआ है जो अखिलेश यादव की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार, उन्होंने बनाया था, अभी बने हुए हैं अभी भी। तो साइकिल जो चलाने वाले हैं उनकी सुरक्षा के लिए बाईपास से अब हम वापस आ गए हैं। मुख्य जो सड़क थी बाराबंकी लखनऊ सड़क जो मेन रोड हुआ करती थी उस पर फिर से हम वापस आ गए। और अब हम आ गए बाराबंकी शहर की तरफ पहुंच रहे हैं। ये हम बस पहुंच गए बाराबंकी शहर की तरफ। अगर हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की बात करें, जितने भी जिले लखनऊ से मिले हुए हैं उसमें बाराबंकी जो है वो सबसे नजदीक का जिला है, जो सबसे पहले लखनऊ की सीमा के सबसे नजदीक भी है। और सबसे पहले आप बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो डीएम का रेजिडेंस है, बाराबंकी के जिलाधिकारी, सबसे पहले आप वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि उसकी दूरी बहुत कम है। पॉलिटेक्निक से अगर हम लगाएं तो 20 किलोमीटर मात्र डीएम साहब का घर है, तो 20 किलोमीटर के अंदर लखनऊ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो अपना बाराबंकी जिला है जहां डीएम साहब है, कलेक्ट्रेट है, वो आ जाता है। बाकी के जो एडज्वाइनिंग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे उन्नाव हो गया, सीतापुर हो गया, रायबरेली है, इनके जो जिले हैं वो थोड़े, जो हेडक्वार्टर है, जो मेन सिटी है, वो लखनऊ से थोड़ा दूर है। तो सबसे नजदीक बाराबंकी, और हम पहुंच ही गए हैं बाराबंकी।
तो लखनऊ से हम अब आ पहुंचे हैं बाराबंकी शहर। तो ये छोटा सा वीडियो माई रोड ट्रिप्स पर, उम्मीद है लखनऊ से बाराबंकी की इस सैर का आपने मेरे साथ मजा लिया होगा, आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर करें और आपके कमेंट्स का हमेशा की तरह मुझे इंतजार रहेगा। प्लीज डू राइट, आप अपने कमेंट्स जरूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो कैसा लगा। और ये आवास विकास कॉलोनी बाराबंकी की, आशा करते हैं ये वीडियो आपने पसंद आएगा, आपने एंजॉय किया होगा।